तो आज हम आ चुके अपने स्पॉट पे और ये मेरी पहली YouTube वीडियो है। तो ये आप स्पॉट देख रहे हो और ये स्पॉट हम वाटर कलर में 3 घंटे में यहाँ पे बनाएंगे। तो हमारी पहली वीडियो, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए ब्लैक एंड बेल आइकन दबाइए। तो ये सेटअप है हमारा और ये जो स्टैंड है ये नॉर्मल कैमरा स्टैंड है, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और ये ट्राइपॉड है और जो ऊपर लगी हुई है प्लेट, और इसके पीछे हमने एक अलग से बोर्ड लगाकर ऊपर नट लगाकर उसको जॉइंट किया, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और ये नॉर्मल बोर्ड है, तो इससे हमने वाटर कलर के लिए अपना सेटअप रेडी किया है। ये कैंसन शीट है तो इस पर वाटर कलर बड़े अच्छे होते हैं। तो आइए देखते हैं। फाइनली अभी हमने ये स्केच रेडी कर लिया है। तो वाटर कलर के लिए क्या होता है कि हमें रफ सा स्केच चाहिए होता है, तो वाटर कलर में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं करनी होती जब हम ऑन द स्पॉट करते हैं, तो बस उस चीज़ का फील देना होता है। तो इसमें बैकग्राउंड में अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं हमें अगर कुछ हटाना भी पड़े बैलेंस करने के लिए, वो हटा देंगे एलिमेंट, कुछ ऐड कर देंगे, कुछ पेड़ ऐड कर देंगे, मतलब ऐसे चलता है इसमें वाटर कलर में। तो अभी करते हैं वाटर कलर। तो वाटर कलर्स करने हैं तो हमें एक वॉश देना होता है, तो अभी मेरे पास वॉश ब्रश नहीं है तो इसी से ही कर रहे हैं वॉश। तो वॉश देने के लिए हमें सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि शीट हल्की सी वेट हो जाएगी। तो हमने स्काई में कलर ऐड करना है तो हम उतना ही पार्ट वेट करेंगे कि कलर उससे आगे ना जाए। तो अभी जैसे आपने देखा है कि हमने शीट को वेट किया था जितना स्काई करना था उतना, तो उसके बाद हमने क्या किया कि इसको वाटर कलर को ऊपर लगा के वॉश आने दिया नीचे। तो इस वाटर कलर में इतना ही होगा कि जब हम वेट कर देते तो उसको उसके फ्लो में जाने दीजिए।
भाई अंधेरा हो चुका है, तो लाइट जा रही है, तो अभी हमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, बट ठीक है चलेगा। और यहाँ पे बस नॉर्मल पैचेस में ही काम कर रहे हैं, तो जैसा भी हुआ कि इसको हम कंप्लीट मान के चलते हैं, तो देखिए। तो फाइनली हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करो।